नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की दिल दहलाने वाली खबर बिहार से आ रही है। बिहार में आपराधिक घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। राज्य में अपराधियों को पुलिस का जरा सा भी डर नहीं है और खुलेआम लोगों पर हमला कर रहे हैं। ताजा मामला बिहार के मोतिहारी का है, जहां पर रात को घर लौट रहे एक दंपती पर हमला कर दिया गया। इस हमले में एयरफोर्स जवान अमित कुमार गुप्ता बुरी तरह से घायल हो गए, जबकि एयरफोर्स जवान की पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बीती रात 7:30 बजे के करीब मोतिहारी में कुछ लुटेरों ने जवान और उसकी पत्नी पर हमला कर दिया। उनसे लूटपाट की कोशिश करने लगे। दंपती ने इसका विरोध किया तो जिसके बाद लुटेरों ने उनको बुरी तरह से मारा। बताया जा रहा है कि मोतिहारी से घर लौटने के क्रम में चिरैया थाना अंतर्गत मोचिनपुर के नजदीक अपराधियों ने दंपती के साथ छीना झपटी की। इस दौरान विरोध करने पर दंपती पर धारदार हथियार से हमला कर घटना को अंजाम दिया। इस हमले में जवान की पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं जवान बुरी तरह से घायल है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। दंपती के परिवार वालों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उन्होंने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। बिहार में रोज हो रही इन घटनाओं से जनता में भय का माहौल है। इन घटनाओं से साफ पता चलता है कि बिहार पुलिस का खौफ अपराधियों के मन में जरा सा भी नहीं है और खुलेआम आम लोगों पर हमला कर रहे हैं। तो दोस्तों, सेना से जुड़ी तमाम खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।